मैं तो उसी के सहारे बैठा हुआ था, आज मेरा बच्चा चला गया है। मैं तो यही चाहता हूँ सख्त कार्रवाई हो उसके, जो आज मेरे बेटे के साथ हो किसी और बेटे के साथ ना हो। जयंती लाल जी, जो असर सरकार ने कार्रवाई की हो रहा है, कितना बाहुबल कितने दुखी है, ये देख लो आप कितने सब कितने पब्लिक दुखी है, क्या करेंगे साहब। मैं तो बेटा चला गया, मेरे हाथ से निकल गया है, बस उसके लिए मेरी तो मांग है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कानून के आधार पे उसको छोड़ा नहीं जा सकता। एक हत्यारे को केवल इसलिए नहीं छोड़ दिया कि बाल अपराधों में देवराज की अंतिम विधायक हो गई है, कितना आपका पहाड़ बड़ी बार पर टूट पड़ा है, कितने दुखी है आप बेटे के नेता? दुखी तो होंगे ना, बहुत दुखी है, इतना दुखी दुखी है। मेरा आज एक बच्चा हाथ से निकल गया, पूरा भविष्य, मेरे तो पूरा भविष्य का मेरा, मैं तो उसी के सहारे बैठा हुआ था, आज मेरा बच्चा चला गया है। तो आरोपी के खिलाफ क्या सजा? मैं तो यही चाहता हूँ सख्त कार्रवाई हो उसके, जो आज मेरे बेटे के साथ हो किसी और बेटे के साथ ना हो। पूरी प्लानिंग के साथ हत्या की है, इसलिए उसको जो वादा किया गया है उससे खुश है आप? वो तो खुश तो क्या है, बस वो तो डिमांड तो जो हमारे समाज के डिमांड, जो हमारे समाज के अध्यक्ष है वो बात करेंगे। नाबालिग का कानून नहीं लगाया जावे, इसमें हत्यारे ने प्री प्लानिंग से हत्या की है, इसको पूरी पूरी सजा बालिग की तरह मिलनी चाहिए। हत्यारे के लिए कोई नाबालिग कानून नहीं होता है, सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि अब वो YouTube का जमाना आ चुका है, आज 8-10 साल का बच्चा सब समझता है, सब कुछ देख रहा है, और आप कानून चल रहे हो पुराने, बरसों 100-500 साल पुराने, तो वो नहीं चलेंगे। अब 10 साल का आदमी बच्चा प्लानिंग करने लग गया मारने के लिए, इतनी हत्या, इसे निर्मम हत्या कर दी है इसने, कि उस जगह पे जांग पे उसने चाकू लगाया जहां पे उसमें जिंदा नहीं रह सकता वो, और इसके लिए उसको सख्त से सख्त, कोई कानून में कोताही नहीं बरती जाए, और ये हमारी पूरी समाज की भी मांग है और सर्व समाज की मांग है। ये सरकार के द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाए, परिवार पे तो इतना दुखों का पहाड़ है कि ये इतना सीधा आदमी है कि इसको बोलने भी नहीं आता है, और ऐसे आदमी के बच्चा, इसका भविष्य केवल एक बच्चा था जिसके आधार पर ये जी रहे थे। समाज की क्या मांग है? समाज की यही मांग है कि हमने तो 2 करोड़ की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 51 लाख रुपए के लिए कहा है, और उन्होंने सभी संगठनों ने और भी सहयोग करने की प्रस्ताव रखा है कि हम जो भी हो सकता है इससे और अधिक सहयोग करेंगे। हमारा मांग यही है कि एक तो स्कूल प्रशासन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। सरकार की तरफ से जो भी कार्रवाई हुई है उसमें इसका इलाज बहुत अच्छा चला, कोशिश की गई है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उसके साथ थे, तब भी प्रशासन ने भी सहयोग किया, हमने भी पूरा सहयोग किया, हमने कहीं कोई अशांति फैलने के लिए मौका नहीं दिया, किसी से हमने ऐसी बात नहीं करी, हमने हमारा इंतजार किया कि 1% भी अगर कोई चांस है जीने का तो उसके। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।